द्वारपाल, जी युवराज, क्या जाते समय आचार्य द्रोण तुमसे कुछ भी नहीं कह के गए थे? यदि कहा होता तो इसने पहले ही बता दिया होता मित्र। जाओ। जो आज्ञा। वे अपने प्रिय पांडव शिष्यों से मिलने गए होंगे और उन्हें बताने गए होंगे कि कल वो कौन सा नया व्यू रच रहे हैं और उसकी काट क्या है। काट? ये तुम सब मेरी ओर इस तरह क्यों घूर रहे हो? अरे जब गंगा पुत्र भीष्म स्वयं अपनी पराजय का उपाय बता सकते हैं तो फिर आचार्य द्रोण ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये दोनों ही महापुरुष निष्ठा की एक ही मिट्टी से बने हुए हैं। भांजो महारथी शकुनी, गंगा पुत्र भीष्म और आचार्य द्रोण जैसे योद्धाओं की निष्ठा पर संदेह करने से बड़ा पाप तो इस रणभूमि में और कोई हो ही नहीं सकता। वो चाहते तो उधर से भी युद्ध कर सकते थे और यह आपके प्रिय भांजे दुर्योधन का सौभाग्य है कि गंगा पुत्र भीष्म ने भी इन्हीं के ध्वज तले युद्ध किया और आचार्य द्रोण भी इन्हीं के ध्वज तले युद्ध कर रहे हैं। मेरा मन उनकी ओर से आज भी मिला है किंतु फिर भी मैं उन पर विश्वासघात का आरोप नहीं लगा सकता। उनके ध्वज तले युद्ध करके मैं एक गरिमा का अनुभव कर रहा हूं और यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं गंगा पुत्र भीष्म के ध्वज तले युद्ध नहीं कर पाया हूं। कृपया आप गंगा पुत्र भीष्म और आचार्य द्रोण जैसे श्रेष्ठ योद्धाओं का नाम आदर सहित लिया कीजिए। मैं जिनका आदर नहीं करता अंगराज कर्ण, उनका नाम भी आदर सहित नहीं लेता। मेरे गंधार में आदर इतना सस्ता नहीं है कि यूं ही उसे बांधते फिरो। ये माना कि आचार्य द्रोण एक महान योद्धा है किंतु फिर भी वो तुम जैसे निष्ठावान नहीं है। परंतु मामा श्री, आप इन्हें चुप ना करवाओ दुशासन। मैं निष्ठावान नहीं हूं गंधार नरेश, मैं ऋणी हूं, अपने इस मित्र का ऋणी हूं। ऋण और निष्ठा में बड़ा अंतर होता है मामाश्री, और निष्ठा की बात मैं ऋण उतारने के उपरांत ही कर सकता हूं किंतु वे निष्ठावान हैं। यदि ऐसा ना होता तो गंगा पुत्र भीष्म को यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि वे पांडवों का वध नहीं करेंगे। ऐसे खरे लोग बड़े आदरणीय होते हैं मामाश्री। तुम्हारे स्वर मुझे बहुत बदले बदले लग रहे हैं अंगराज, किस दुविधा में हो? जो वीर पुरुष होते हैं ना मामाश्री, वो कभी दुविधा में नहीं होते। वे यदि कोई अशुद्ध कार्य भी करते हैं तभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। किंतु यदि तुम ये कहना चाहते हो तो तुम केवल मेरे ऋणी हो तो जाओ मित्र, आज से मैंने तुम्हें तुम्हारे उस ऋण से मुक्त किया। मैं तो आज तक इसी भ्रम में था कि तुम्हारे और मेरे बीच केवल मित्रता का नाता है। यदि मुझे किसी की निष्ठा पर भरोसा था तो वो केवल तुम्हारी निष्ठा थी मित्र, केवल तुम्हारी। और आज तुम ये कह रहे हो कि तुम निष्ठावान नहीं हो, तुम केवल ऋण मात्र हो, तुम मेरे मित्र नहीं हो, तुम केवल ऋणी हो। ऋण चुकाए बिना मैं तुम्हारे प्रति अपनी निष्ठा सिद्ध नहीं कर सकता मित्र। जो ऋणी होते हैं उनका अपने किसी वस्तु पर कोई अधिकार नहीं होता। ऋण की डोरी में बंधी हुई मेरी निष्ठा तुम्हारी है। ये प्रश्न ऋण चुक जाने के पश्चात करना मित्र, कि मेरी निष्ठा तुम्हारे प्रति है या नहीं। मैंने तुमसे कहा ना मित्र कि जाओ, मैंने तुम्हें तुम्हारे उस ऋण से मुक्त किया।
दान लेना मेरी रुचि नहीं है मित्र। मैंने तो देवताओं को भी दान दिया है, किंतु आज तक किसी से दान नहीं लिया। यदि तुमको मेरी निष्ठा पर संदेह है मित्र, तो ये लो। नहीं मित्र, नहीं। मैं क्षमा चाहता हूं मित्र। मित्रों के बीच क्षमा याचना के लिए कोई स्थान नहीं है मित्र, कोई स्थान नहीं मित्र।